हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैंने आपको पिछली अपने वीडियो में जो मोटी सेवियों का मैंने आपको ब्रेक स्नैक बताया था, जो ब्रंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, टी टाइम में, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत टेस्टी वो होता है। तो वो उसी तरह से मैं आज देखिए फिर ये मोटी सेवियों का एक स्वीट डिश आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए मोटी सेवियाँ हैं, ये नूडल्स नहीं हैं, ठीक है ना, ये मोटी सेवियाँ कहलाती हैं और मार्केट में भी ये मोटी सेवई कहकर ही मिलती है। ये मैंने यहाँ पर ऑन डोर से मंगाई थी, वहाँ मिलती है मोटी सेवियाँ, आपको ऑनलाइन पर भी मिल जाएंगी, तो आप ये मंगा सकते हैं। देखिए ना ये नूडल है और ना ये स्पेगेटी है। जब ये कुक हो जाती है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने दिखाया था कि बिल्कुल स्पेगेटी जैसी लगती है, लेकिन ये स्पेगेटी नहीं है, ये मोटी सेवियाँ हैं। तो इसकी आज हम स्वीट डिश बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन मोटी सेवियों को अपने थोड़ा सा देसी घी में इसको हम लाल लाल भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ और इसको मैं, बहुत ज़्यादा देसी घी मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालेंगे। और मैं इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ, मेल्ट कर लेती हूँ देसी घी को। पैन को पूरा चिकना कर लिया मैंने। अब इसमें ये मैं अपनी मोटी सेवियों को थोड़ा सा इस तरह से मैं खोल लूँगी, ऐसे, ये देखिए इस तरह से। बहुत चूरा नहीं करेंगे हम इसको बिल्कुल भी, और इस तरह से मैं इसको करके गोल्डन ब्राउन भून लूँगी। बहुत ब्राउन मत करिएगा इसको, हल्का सा ही हम बिल्कुल भून लेंगे। इस तरह से मैं इसको खोल के हल्का सा भून लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, खुशबू आने लगी है। फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है और इस वाली सेवियों को मैं निकाल दूंगी। और इसी तरह जो दूसरा ये वाला है पीस, दो पीस लिए हैं मैंने, तो ये वाले को भी मैं इसी तरह लाल लाल भून लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने इस तरह से खोल दिया है बीच में से, इस तरह से लंबाई में, और इसको भी मैं इस तरह से बिल्कुल गुलाबी, हल्का सा बस कलर चेंज करना है, बिल्कुल लाल लाल मत करिएगा, नहीं तो ये ओवर हो जाएगा, सिक जाएगा। इसी तरह इसको मैं भी फिर से इसको भी भून लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पैन में रख लिया है। अब इसमें मैं ये आधा कप मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ और ये मैंने आधा कप और डाला है। बस हम इतना इसमें पानी डालेंगे और पानी नहीं डालेंगे, और मैं इसको इसमें डिप करके रख दूंगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये इसमें डिप हो जाएगी। अब मैं इसमें आधा कप पानी और डाल, और ऐसे आधा आधा कप करके मैंने इसमें तकरीबन, अभी मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, पौने दो कप के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं अब इसको ढक के टेंडर होने के लिए छोड़ दूँ, ये इसमें मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोटी सेवियों को टेंडर होने के लिए ढक के रख दिया है। अब मैं 3/4 कप कोकोनट पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लूंगी। बहुत ब्राउन नहीं करिएगा, खाली हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और हम इसको इसमें खुद अपना कोकोनट पाउडर में ऑयल होता है अपना, तो ये उसी में ही सिक जाता है। बहुत हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है, हल्का सा जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होता है और हमें इसकी फ्लेम को कंट्रोल करना है, या इसको फ्लेम से हटा दीजिएगा, ये ओवर ना जल जाए, नहीं तो इसका बहुत बिटर सा टेस्ट आने लगता है। देखिए ये हल्का सा कलर बदलने लगा है, बस इसका कलर देखिए बदलने लगा है, खुशबू आने लगी है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई थी, अब मैंने इसको
लो मीडियम कर दिया है फ्लेम को बिल्कुल, ताकि इसका देखिए कलर बदलने लगा है। ये ओवर बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना, जो इसमें जलने की स्मेल आने लगे। अभी कोकोनट में जब कम सेकते हैं बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है, इसका अरोमा अलग ही होता है बिल्कुल। और ये देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये अभी पैन गर्म है तो इसी में ये कुक होता रहेगा। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, पैन गर्म है। ये मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर में किसी भी तरह की कोई चिकनाई नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। मिल्क पाउडर में कोई चिकनाई नहीं होती, इसलिए हम जब भी मिल्क पाउडर की कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। इस तरह से मैं इसको बिल्कुल अच्छे से कोकोनट में मिला लूँगी। इसमें मिठास होती है। आप देखिए कोकोनट अभी भी फ्लेम ऑफ है, पैन गर्म है और नीचे बर्नर की हीट आ रही है, उसी में इसको मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको कर लिया है कोकोनट को। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ये है नारियल का गुड़, नारियल का जो बूरा होता है, नारियल का गुड़ है ये, इसको मैंने आधा कप इसमें डाला है। ये देखिए इस तरह से फ्लेम ऑफ है। अब हम इसको अच्छे से इसमें करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। इसमें अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये मिक्स कर दिया है मैंने इसको अच्छे से। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप बूरा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत मीठा हो जाएगा नहीं तो। ये बस हल्का सा मीठा रखना है ये। इसमें हम ये देसी बूरा है, आप पिसी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इसमें देसी बूरा डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बूरा थोड़ा कम मीठा होता है और जितना भी मॉइस्चर होता है वो अपने में ले लेता है, जबकि चीनी जो होती है वो लिक्विड बहुत जल्दी से बनने लगती है, तो इसलिए मैं देसी बूरे का टेस्ट ही अलग आता है। तो इसलिए देखिए मिल्क पाउडर की थोड़ी गांठें सी ऐसी बन जाती हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी इसकी बाइंडिंग के लिए। आप बस उतना ही दूध इसमें ऐड करिए कि ये आपस में बाइंड हो जाए। देखिए फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे इसको बाइंड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन अभी खाली 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। देखिए ये अच्छे से बाइंड होने लगा है, क्योंकि इसमें बूरा है और कोकोनट शुगर है, तो कोकोनट शुगर का तो इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ना इसमें चीनी मत डालिएगा, बूरा डालिए, क्योंकि कोकोनट शुगर और बूरे का ना टेस्ट मिलकर बहुत अच्छा आता है। देखिए और दूध मैंने अभी नहीं डाला है, मैं बहुत ध्यान से धीरे धीरे इसको मिला रही हूँ। थोड़ा टाइम लेकर इसको हमें धीरे धीरे मिलाना है, जिससे ये पूरा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे कलछी को ऐसे दबा दबा करके अच्छे से हमें इसको मिला लेना है पूरे को। ये पूरा बाइंड हो जाएगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए पूरा बाइंड हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं 1 टीस्पून देसी घी मिला रही हूँ, बस 1 टीस्पून हम इसमें देसी घी मिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें मावा यूज़ नहीं किया है और मैंने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है। मिल्क पाउडर में अपनी चिकनाई नहीं होती है। अगर आप मावा यूज़ कर रहे हैं इसमें तो आपको मिल्क पाउडर की जगह तो आपको चिकनाई डालने की या घी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मावे को ऐसे सख्त करके इसमें मिला करके इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सा ये डो बन गया है। ये देखिए कितना अच्छा से ये गोल हो गया है, लड्डू जैसा। बस ऐसा ही हमको ये डो बनाना है और इतना ही हमको इसको टाइट रखना है और इसको अब हम ठंडा होने देंगे, तब तक हमारी सेवियाँ भी सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मुलायम हो गई हैं सेवियाँ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम पे इसलिए रखा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा पानी दिख रहा है नीचे ऐसे,
इसको हम सिम पर थोड़ा सा रखेंगे ताकि इसका ये पानी ख़त्म हो जाए। यह हम पानी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसी में हम इसको धीमे धीमे आंच पर टेंडर होने देंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसको टेंडर होने देंगे। और अब मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ, पूरे में ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ गर्म होने में ही। देखिए 2 टीस्पून डाला है मैंने, और ये 3 टीस्पून, इससे ज़्यादा हम बूरा इसमें नहीं डालेंगे। और अब मैं इसको पूरे को इस तरह से मिक्स कर दूंगी, बूरे को इसमें, और ये इसी में बूरा डिसॉल्व हो जाएगा। और ये गर्म पानी में बहुत अच्छे से पूरी मीठी मीठी सेवियाँ बन जाएंगी। और ये पूरा देखिए नीचे पानी आपको दिख रहा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इन्होंने पानी पी लेती हैं ये सेवियाँ, तो इसको इसी में मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, तब तक जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता बिल्कुल। मैंने ढक दिया, सिम पे इसको रख दिया। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ठंडा करने के लिए पैन में से इसमें निकाल लिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ पिसी इलायची, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा जल। केवड़ा जल कुछ बूंदी डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो उससे कड़वाहट आ जाएगी। और इसको हम पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं खोल के देख रही हूँ, अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं इसको होते हुए। इसमें मैं अब डाल रही हूँ केसर, थोड़ी सी केसर से इसकी खुशबू, टेस्ट, कलर सब बहुत बढ़िया आता है। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि केसर से इसका अरोमा, इसका टेस्ट सब बहुत बढ़िया होता है। आप अच्छे 17-18 धागे केसर पे डाल दीजिए, मैं तो काफ़ी डालती हूँ, केसर यूज़ करती हूँ। और ये सिंपल है बिल्कुल। के देखिए अभी भी थोड़ा सा पानी है, हल्की सी गीली है बस, ज़्यादा गीली नहीं है अभी। पानी ये एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, देखिए आप, पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। गैस मैं बंद कर रही हूँ, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये भी अच्छे से टेंडर हो गई हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं गलाना है। और ये बिल्कुल अब हम इसको ढक के थोड़ी देर रख देंगे, जिससे इसमें केसर अच्छे से घुल जाए। ये गर्म है काफ़ी अभी, और इसको हम ढक के रख देंगे, थोड़ा सा इसको छूने लायक हो जाए। रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना है, बस इतना हो जाए कि हम इसको टच कर सकें, इतनी गर्म ना हो कि हाथ जल जाए, इतना ही हम इसे ठंडा करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अप्पम मेकर है, इसमें हम छोटे छोटे अप्पम बनाते हैं, तो इसमें हम इसको आज बनाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा पीठा बनता है। मैंने फ्लेम गैस ऑन कर दी है, इस पे हम ये देसी घी लगा देंगे अच्छे से। इसमें अच्छे से मैंने देसी घी पूरे में लगा दिया है अच्छे से, और हम ये थोड़ी सी अपनी मोटी सेवियां इसमें हम डाल देंगे। अभी भी ये थोड़ा गर्म ही है टच करने में। इस तरह से हम थोड़ी सी सेवियां इस तरह से हम ऐसे डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें हम जगह करेंगे, इस तरह से सेंटर में चपटा करके डालेंगे हम इसे, और बाकी में भी मैं इसको ऐसे ही डालूंगा। फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये अप्पम मेकर गर्म हो रहा है, तो आप गैस को थोड़ा बंद कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप इसको तेज गर्म मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये क्या है कि पहले ही सिक जाएगी। हम जब तक इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसको बनाएंगे, ये उससे पहले ही सिक जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ये बैटर ऐसे दबा के रख दूंगी, थोड़ा थोड़ा हम रखेंगे जितना इसमें जगह हो। इसकी फिलिंग जो हमने खजूर, इसके नारियल के गुड़ की बनाई थी, वो हम इसमें इस तरह से
रख देंगे, उतनी ही रखिए जितनी इसमें जगह है। बस इस तरह से अब थोड़ी सी हम सेवियां इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। हम इस तरह से रखेंगे और हाथ से ऐसे दबा देंगे, ऐसे हम इस तरह से इसको पूरा हाथ से प्रेस कर देंगे और हम सबको इसी तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है और हम इसको अब धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे। इसको मैं ऐसे कवर कर दूंगी इस तरह से सब तरफ से और धीमी धीमी आंच पर इसको हम सिकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हम थोड़ा थोड़ा देसी घी ऊपर डाल देंगे जिससे ये इसका पूरा देसी घी ये मेल्ट हो करके इसके अंदर जाएगा। ये धीमी धीमी आंच पर सिक रहा है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा देसी घी हम इसमें ऐसे पोर कर देंगे और ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको 6 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल धीमी आंच पर ये सिक रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पलट के देखूंगी कि ये सिका है एक साइड से या नहीं। अभी भी थोड़ा सा कम सिका है, इसको अभी हम और सेकेंगे। मैंने तभी पलट दिया है, लेकिन इसको देखिए एक साइड से तकरीबन 7 से 8 मिनट सिम पर लगेंगे सिकने में। तो हम इसको दोबारा से ढक देते हैं और इसको अभी हम 2 से 3 मिनट और सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको 7 मिनट हो गए हैं। जिसको मैंने अभी पलटा है इसको मैं अभी टच नहीं करूँगी, लेकिन जिनको मैंने अभी नहीं पलटा था ये वाले, इनको मैं अभी चेक करूंगी। मैंने फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी है जिससे ये अगर थोड़े से कम सिके हुए हैं तो ये अच्छे से सिक जाएंगे। अब मैं इनको यहाँ से पलट लेती हूँ। देखिए ये अच्छा सा सिक गया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें सेकना है। देखिए मैंने फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दी है जिससे ये अच्छे से सिक जाए। कलची से थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे, बहुत इजीली ये पलट जाते हैं। और अब हम इसको इस तरह से फिर से मैं इसको थोड़ा सा ढक के पका दूंगी। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इस साइड से मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट पकाया है और ये अच्छे से सिक गए हैं। इनको मैं अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेट में 3 रखे हैं, एक में ये 1 रखा है। तो अब मैं ये 3 के बाद 4 के बाद जितना मेरा बैटर है, खाली इसमें 2 ही बनेंगे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 2 बनेंगे इसमें और पीठा, तो वो भी मैं इसमें डाल करके बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरे 3 बने हैं, मेरे को लग रहा था 2 ही बनेंगे लेकिन इसमें 3 बने हैं। और इनको मैं ढक के इस पर सेक लेती हूँ। फ्लेम मैंने सिम कर दी है, अब मैं इसको लो मीडियम कर रही हूँ क्योंकि तवे पर मेरे को डालते में टाइम लगा, सिम थी पर ठंडा हो गया था। इसको मैंने अब लो मीडियम पे कर दिया है और इसको सिकने में करीब 6 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। 5 से 6 मिनट बाद हम इसको पलट के दूसरी तरफ से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोटी सेवियों का पीठा बनाया है, आपको अब मैं दिखाती हूँ। इतना बढ़िया बना है ये देखिए, बड़ी इजीली हाथ में उठ जाता है, बहुत गर्म है। अभी इस मैंने 3 और सेकने के लिए रखे हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से गुड़ का, ये देखिए कितना अंदर से फिलिंग रिच है और क्रिस्प है। ऊपर से ये ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से इतना टेंडर है, कोकोनट की इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है, केवड़े की, केसर की। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए और बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। ये इतना लजीज होता है कि आप घर में बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सब बार बार मांगेंगे, इतना टेस्टी होता है। तो मेरे चैनल पर आते रहिए फ्रेंड्स। आने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, आते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।